बिहार में करीब एक साल बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन एक साल पहले से ही पाला बदल का खेल शुरू हो गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। आरजेडी के एक बड़े नेता कुछ ही दिनों में जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जेडीयू के एक सूत्र से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसने बताया कि आरजेडी का ये नेता जेडीयू में कभी भी शामिल हो सकता है। बताते चले हम आपको कि दरअसल आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और लंबे समय तक बिहार सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक पाला बदलने जा रहे हैं। हालांकि श्याम रजक ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जेडीयू के एक नेता ने फर्स्ट बिहार को पूरी कहानी बताई है। जेडीयू नेता ने बताया कि दो दिन पहले श्याम रजक ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार के साथ लंबे अरसे तक काम कर चुके श्याम रजक ने फिर से जेडीयू में शामिल होने की इच्छा जताई। नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। श्याम रजक फिलहाल आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन कई कारणों से फिलहाल पार्टी की मुख्य धारा से अलग कर दिए गए हैं। ऐसे में उन्होंने पुराने घर में वापसी का रास्ता चुना है। जेडीयू के एक नेता ने फर्स्ट बिहार को ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि श्याम रजक 1 सितंबर को फिर से जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में उनका मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें आरजेडी के कुछ और नेता भी जेडीयू में शामिल होंगे। वैसे इस मामले में श्याम रजक की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। बता दें कि लालू राबड़ी के साथ राजनीति शुरू करने वाले श्याम रजक लंबे समय तक आरजेडी शासनकाल में मंत्री रहे। 2005 में आरजेडी का शासनकाल खत्म होने के बाद 2019 में श्याम रजक ने जेडीयू का दामन थाम लिया था। 2010 में वे नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले श्याम रजक ने मंत्री पद और जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन आरजेडी ने उन्हें गच्चा दे दिया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें आरजेडी की ओर से टिकट भी नहीं दिया गया था, ना ही किसी दूसरे जगह एडजस्ट किया गया। अब श्याम रजक फिर से नीतीश कुमार का दामन थामने की तैयारी में है। श्याम रजक जो कि आरजेडी के एक बड़े नेता हैं, वो जेडीयू में शामिल होंगे, जिससे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए हामी भी भर दी है। नीतीश कुमार ने पूरी तैयारी कर ली है। 1 सितंबर का वो दिन है जिस दिन आरजेडी के इस नेता के साथ कई और भी नेता जेडीयू में शामिल होंगे और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा झटका लगेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।